हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मे 2021 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट टोटल 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एन एग्जाम ओके एंड द मोस्ट आस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर की करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक करने हैं सो दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो ओके सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Question is what is the name of the national platforms used for the vaccine delivery system in the country? So in may say national platform system hai, which is used to uh, you know deliver the vaccines throughout the country. So the correct answer for this question is option B, that is COVID. And I hope this answer is this because most of you have registered for the vaccination. Next is question Sundalal Bahugana. पास्ड रिसेंटली वॉज अ फेमस तो सिंदरलाल बहुगुना जिन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था विच इज़ अ मूवमेंट फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन सो ही वॉज इन्वायरमेंटलिस्ट सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में वैसे ही पूछ सकते हैं सो द चिपको मूवमेंट और द चिपको आंदोलन इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इट बिगिनस इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री इन उत्तराखंड उत्तराखंड के कुमाऊ रीजन में ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर वन द टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री सो फीफा दो हज़ार बाईस का अंडर सेवेंटीन वुमेंस वर्ल्ड कप ये किस कंट्री में होगा कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इंडिया होस्ट करेगी इसलिए एग्जाम प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू रिसेंटली हु गॉट वन ईयर एक्सटेंशन एज अ डायरेक्टर ऑफ आई बी दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो तो वन ईयर एक्सटेंशन मिला है ये डायरेक्टर दोबारा बनेंगे एक साल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज अरविंद कुमार सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री रिसेंटली बसर अल असाद हु अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री तो बसर अल असाद ये किस कंट्री के दोबारा नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज सीरिया सीरिया की कैपिटल है डोमेस्किस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यांग टू डी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज चाइना चाइना इज गोइंग टू लॉन्च दिस न्यू ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट इज हेंग टू डी विच इज़ द ओशियन इन्वायरमेंट मोनिटरिंग सिस्टम बेसिकली विच यू नो प्रोटेक्ट और अर्ली वार्मिंग प्रोवाइड करेगा ऑन मराइन डिजास्टर ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फ्यामि न्यामी मताफा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री क्योंकि ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं किसी नेशन की सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यामी नयामी मटाफा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेमेवा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके सो सेमेओ की कैपिटल जो है दैट इज एपीए एपिया एंड इसकी जो करेंसी है दैट इज ताला नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ सी बी आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सुबोध कुमार सुबोध कुमार जयसवाल इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सी बी आई नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू सर्च फॉर वॉटर ऑन द मून इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री So, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फर्स्ट रोबोट मोबाइल रोबोट लॉन्च करेगा इन सर्च ऑफ वॉटर इन ऑन मून इन 2023 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नासा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हैज रिसीव द प्रेस्टिजियस 2021 थाउजेंड प्राइज नाउ इससे रिलेटेड मैंने क्विज भी प्रोवाइड की थी आपको टेलीग्राम पर द टेम्पल टन प्राइज इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिलीज सो दिस प्राइज इज जर्नली अवॉर्डेड टू पर्सन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिलीजन एंड इसका जो पहला जो प्राइज है वो मिला था मदर टेरिसा को ठीक है नाउ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में किसको दिया गया है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस लेडी जैन गुड ऑल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जेन गुड ऑल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन हु वॉज अपॉइंटेड हैड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोच किसे अपॉइंट किया गया है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रमेश पोवर सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दिस इज रमेश पोवर कोच ऑफ वुमेन्स क्रिकेट टीम क्वेश्चन नंबर टेन रिसेंटली बार बार कोवा अनाउंसड हिज हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच विच स्पोर्ट्स सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेनिस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन अगर स्पोर्ट्स से आते हैं पर्सनैलिटीज से तो वो तभी आएंगे जब कुछ ट्रेजिडी या फिर कोविड पेशेंट है उसकी वजह से डेथ हुई है ओके okay? या फिर कुछ फेमस ज्यादा ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क किया है तभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ ड्राइव कॉल्ड मिशन हौसला टू हेल्प पीपल गेट ऑक्सीजन बेड्स एंड प्लाज्मा फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स सो so, किस स्टेट ने ये जो मिशन है वो लॉन्च किया है दैट इज मिशन हौसला फॉर द कोविड पेशेंट्स करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके उत्तराखंड पुलिस ने ये लॉन्च किया है बेसिकली टू हेल्प द पीपल ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड नाइनटीन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिफेंट इन द वूम वेरी इंपॉर्टेंट एलिफेंट इन द वूम ये एक डेब्यू बुक है बाय कालकी कोचलानी सो ये एक्ट्रेस है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर काल की कोचलानी so, okay? इनकी जो पहली डेब्यू बुक है दैट इज़ एलिफेंट इन द वूम और ये डेब्यू कर रही है इस बुक से बेसिकली एज एन ऑथर क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स मिनी टी वी इन इंडिया विच इज़ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अमेज़ॉन आपने अगर अमेजॉन ऐप अभी ओपन किया होगा रिसेंटली तो आपने देखा होगा कि मिनी टी का काफ़ी उसमें एडवर्टाइज़ आ रहा है सो so, मिनी टी वी इज़ अ स्मॉल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन अमेजॉन ऑन अमेजन सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऐसे क्वेश्चन बेसिकली एम एन में पूछ सकते हैं जैसे मिशन जीरो भी स्टार्ट किया था अमेजोन में जो जो कि 2020 के एम क्वेश्चन पेपर में आया था किसी एक सेट में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन

उसके उसके पहले उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं जो भी उनको अलर्ट वगैरह लेना होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन विच कंट्री वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन जो सस्पेंशन ब्रिज है नेम्ड एरुका वाज ओपन्ड सो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पैदल चलने वाला सस्पेंशन ब्रिज है मतलब आ, हवा में ठीक है सस्पेंडेड ब्रिज है पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड सो इट इज़ इन विच नेशन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए पोर्चुगल पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन सो इम्पॉर्टेंट है इसे याद रखना इसका नाम है अरुआ आई कांट यू नो प्रनाउंस करेक्टली नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइंड एम ओ यू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ट्राइबल स्कूल्स का बेसिकली सो so, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किस कंट्री के साथ ये एम साइन किया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वैसे जनरली माइक्रोसॉफ्ट ही ऐसे काम में एम साइन करता है जो कि रिलेटेड होते हैं सोशल वेलबींग well से एजुकेशन से नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वेट The, A, uh, the AIBA World Boxing Championship for men to be held in which country or city? So, the correct answer for this question is option B, Belgrade. Belgrade will going to host the World Boxing Championship for men. Okay, important question A. Next is question number 18. Who has been selected Oxford Student Union President in by-election? ऑक्सफर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है किसको सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनवी भूटानी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ओहो विच स्टेट लॉन्च हिट कोविड एप टू एंश्योर द रेगुलर मॉनिटरिंग ये पिक्चर की वजह से नहीं दिख रहे हैं ऑफ होम आइसोलेशन पेशेंट्स अच्छा आप इतना याद रखोग हेड कोविड ऐप ये किसने लॉन्च किया है किस स्टेट ने लॉन्च किया है फॉर द होम आइसोलेटेड पेशेंट्स सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिहार सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हुज़ बीन कन्फर्ड इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर सो ये दो हजार इक्कीस के लिए बेसिकली इंटरनेशनल इन्वेंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये किसको दिया गया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हु हैज़ रिसीव द वर्ल्ड फूड अवार्ड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने आपको काफ़ी बार वीडियोज में भी प्रोवाइड किया है इवन मॉक टेस्ट में भी एंड वन मोर थिंग मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है जो मॉक टेस्ट था कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है वहाँ से देख सकते हो ठीक है मीडिया सेक्शन में जाके सो दो हजार इक्कीस का जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है वो मिला है शकुंता शकुंतुला हरेक सिंह सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हु वॉज क्राउंड एज द सिक्सटी नाइन्थ मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी सो सिक्सटी नाइन्थ मिस यूनिवर्स 2020 के लिए कौन बना है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड्रिया मेजा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री रिसेंटली एंटोली कॉलिनेट मैकोसो व स्वान इज द न्यू स्वान इन एज अ न्यू पी एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री कॉलिनेट मैकोसो ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कांगो सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कांगो कांगो की जो कैपिटल है दैट इज किन्सासा किन्सासा इज द कैपिटल ऑफ कांगो एंड यहां की जो करेंसी है दैट इज फ्रैंक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच कंट्री विल होस्ट द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रग्बी वर्ल्ड कप सो हजार इक्कीस का जो रग्बी वर्ल्ड कप है ये कहाँ होस्ट होगा सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यूजीलैंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, फाइव हु क्लेम द गोल्ड मेडल इन द 20, सॉरी फोर्टी फाइव कैटेगरी एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन तास्कंद उजबेकिस्तान सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्टी फाइव के जी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी उज्बेकिस्तान में उसमें इंडिया की जो झिली दल बहेरा उन्होंने गोल्ड मेडल uh, जीता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर झिली दल बहेरा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स रिसेंटली इंडियन आर्मी इनागरेटेड द फर्स्ट सोशल सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ऑफ फाइव फिफ्टी सिक्स के वी ए इन विच स्टेट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिक्किम नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट सच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज ऐसे काफ़ी जो सोलर सिस्टम uh, या फिर सोलर एनर्जी से रिलेटेड एम रहते हैं जनरली करेंट अफेयर्स रहते हैं सो so ये काफ़ी यू नो कन्फ्यूजिंग भी हैं और ये मतलब पर्टिकुलर नहीं है चेंज होते रहते तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन रिसेंटली विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय द आर्म फोर्सेज टू फाइट कोविड नाइनटीन इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं बेसिकली जो ऑपरेशन रिलेटेड है ऑपरेशन्स पर मैंने आपको वैसे तो ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दी है वो काफ़ी यू नो प्रीवियस वीडियो है उसकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है बट उसका जो पी है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा उसमें रिसेंट जितने भी ऑपरेशन हुए थे लाइक ऑपरेशन नमस्ते हैं ऑपरेशन संजीवनी एंड ऑल तो मैंने उसको सारा प्रोवाइड किया उसमें सो दिस इज़ वन मोर ऑपरेशन विच इज़ रिलेटेड टू कोविड नाइन्टीन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोजीत ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सो कोजीत ओवर कोविड नाइनटीन आमी न्यू मंत्रा टू फाइट पैंडमिक एंड दिस इज द डॉक्टर सॉरी माधुरी का के फर्स्ट लेडी टू रैंक टू होल्ड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वॉट इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन थर्ड ऑफ मे एंड इस बार की जो थीम है दैट इज इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गॉड सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गॉड एज अ पब्लिक गुड सॉरी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है सो so, ये इंडिया के हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पी सी पंत या प्रफुल्ल चंद्र पंट पंत सॉरी अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्चुअली इंडिया के ही होंगे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर ये इंपॉर्टेंट है जगमोहन ऑफ विच स्टेट पास्ड अवे तो ये फॉर्मर गवर्नर किस स्टेट के थे जगमोहन जो कि अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर लिखा है इसका मतलब ये बाइफर्केशन से पहले है क्योंकि बायफर्केशन से पहले जम्मू एक यूनियन टेरिटरी थी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के दैट इज़ मनोज सिन्हा एंड लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दैट इज़ राधा कृष्ण माथुर सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वॉट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सो इस साल की आपको थीम पूछी है जो कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम है वर्ल्ड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन ऑफ एंड इस बार की जो थीम है दैट इज टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हुजी नेम्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एट द लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे अपॉइंट किया गया है किसको नाम दिया गया है so, ये सो ये जैपनीज टेनिस प्लेयर हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउमी ओसाका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवल कालरा एंड द सन कालरा एंड द सन दिस वॉज रिटन बाय द फेमस नोबल लॉरिएट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर काजुगो इशिगोरो। सो काजुगो इशिगोरो हैज़ वॉन द 2017 थाउजेंड सेवेंटीन नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ही इज़ बेस्ट फॉर द नोवल्स दैट इज़ द रिमेन्स ऑफ द डे एंड नेवर लेट मी गो वन मोर इज़ नेवर लेट मी गो बट इनको जो नोबल प्राइज है वो मिला था द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए दो में नोबल लिटरेचर प्राइज ठीक है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालरा एंड द सन रिटेन बाय काजुगो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच इंडियन स्टार्टअप कंस्ट्रक्टेड इंडिया फर्स्ट थ्री डी प्रिंटिंग जो हाउस है सो थ्री डी प्रिंटेड हाउट इज दउट हाउस ये जो थ्री डी प्रिंटेड जो टेक्निक है दैट इज बेसिकली द और द कंजर्वेशन कंस्ट्रक्शन जिसमें मटेरियल कम यूज होगा सो दिस थ्री डी प्रिंटेड हाउस इज बेसिकली स्टार्टअप बाय दिस टवास्ता सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड ये जो इट startup founded by फाउंडेड बाय of the ऑफ Madras. So IIT IIT Madras आई टी मद्रास का ये जो स्टार्टअप कंस्ट्रक्ट ये, ये करेगा इंडिया का पहला थ्री डी प्रिंटेड हाउस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव बीन नेम्ड एज द टू थाउजेंड ट्वेंटी लॉरिएट ऑफ द यूनेस्को और ग्लूरिन कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज सो so बेसिकली आपको याद रखना है दो हजार इक्कीस का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये कैसे दिया गया है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ही शी और आई डोंट नो ही और शी ये जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है फिलिपींस की सो मारिया रेसा मारिया रेसा इनको मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 के लिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आई आई आर आर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च दिस क्वेश्चन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट अगर पूछा जाता कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलिपींस में जो है तो इंपॉर्टेंट होता बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रमन मीनाक्षी सुंदरम सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च Now, can you tell me where is the uh, Indian Institute of Rice Research in India? Next is question number 37. Recently, which company, uh, company launched the Oxygen on Wheels initiative to facilitate the transportation of this crucial medical aid aimed the surging coronavirus cases in the country? So, basically, which company launched Oxygen on Wheels to help the COVID patients? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए महिंद्रा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये किसने स्टार्ट किया है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकेंड थिंग इज कि ये पर्टिकुलर जो नाम बेस्ड ऐसे नेम बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये किसने स्टार्ट किया है महिंद्रा ने नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच वैक्सीन मैनुफैक्चर हैज सेड इट्स वैक्सीन हैज़ बीन वैक्सीन हैज बीन फाउंड टू बी हंड्रेड परसेंट इन प्रिवेंट दिस कोविड अमंग एडोलसेंट्स सो किस वैक्सीन मैनुफैक्चर ने ये बोला है कि उनकी जो वैक्सीन है दैट इज हंड्रेड परसेंट यू नो इफेक्टिव सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मोडरमा मोडर्ना ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन यूज टू नो

टू स्पेस जो टियाने मॉड्यूल है स्पेस के लिए किस कंपनी या किस कंट्री ने सॉरी लॉन्च किया है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चाइना सो ये नेम बेस्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज इज एन ऑनर कन्फर्ड बाई विच कंट्री सो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यहाँ से तो आप इजिली लर्न कर सकते हो बिकॉज लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ये जो ऑनर है ये जापान कंट्री के द्वारा दिया जाता है एंड इस बार का ये जो 2021 का जो राइजिंग सन जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है ये किसको दिया गया है ये ये दिया गया है बेंगलोर की एक टीचर है श्यामलाल गणेश को है ना और ये फॉर्मर डायरेक्टर रही हैं जापानीज लैंग्वेज स्कूल की सो so, श्याम लाल गणेश को ये दिया गया है जो कि एक बेंगौली टीचर है सॉरी बेंगलुरु बेस्ड टीचर है next is question number 42 spatial 301 report the flagship report released by the us is associated with which sector so special 301 ye jo report hai report ye kis se related hai kis field se? correct answer is trading so option b is the correct answer trade last three question question number 43 iron dome which was set in the news recently is a mobile defense system developed by which country तो ये जो आयरन डोम ये जो टेक्निक है जो कि मोबाइल डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन सी इज़राइल ना ये न्यूज़ में क्यों थी बिकॉज अभी रिसेंटली में आपने देखा कि इसराइल और फेस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी न्यूज़ में था तो तब ये जो डायरन डोम सिस्टम है वो न्यूज़ में था क्योंकि आयरन डोम सिस्टम का यूज़ करके इसराइल ने फेलस्तीन वालों पर ये दागी थी ठीक है सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इज़राइल नाउ दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इट यूजेज द रडार टू आइडेंटीफाई एंड डिस्ट्रॉय द इनकमिंग थ्रेड बिफोर दे कैन कॉज डेमेज सो ये रडार बेस्ड एक टेक्नीक है जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है आयरन डोम को इजराइल के लिए ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर धानू गोलवाद सपोटा इज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द जी आई सर्टिफाइड प्रोडक्ट फ्राम विच स्टेट इसका जो दूसरा नाम है इसे हम नेशबेरी भी बोलते हैं नेसबेरी एन ए एस ई -E, नेसबेरी सो so, नेसबेरी ने धानू गोलवाड सपोटा ये जी आई टैग मिला है महाराष्ट्र के जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहां से है ये सो महाराष्ट्र ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस नेशबेरी इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू यूके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सो द क्वेश्चन इज अंडर विच स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव टू सेट अप एम्स इंस्टीट्यूट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर एम्स इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये गवर्नमेंट स्कीम से भी रिलेटेड है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पी एम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होप यू गाइज लाइक ऑल द क्वेश्चन जो भी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूँगी इन्फॉर्मेशन कि आपको कहाँ से कहाँ तक के करेंट अफेयर्स करने हैं ओके okay? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एटलीस्ट इस वीडियो को तो लाइक कर देना वैसे मैंने आज तक आपको लाइक करने के लिए तो बोला ही नहीं है बहुत कम बोलती हूँ मैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना ओके थैंक यू सो मच